उसको पूछिए चमत्कार कैसे हुआ। मैं चार बजे से रेडी बैठा हूँ। हाँ भाई तू मेरे पहले ग्लोव्स दे दे, मेरे को ऐसा ठंडी लग रहा है ना। हाँ हाँ उसको पिकअप करना पड़ेगा ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ है ना सामने से कॉल प्रतीक का। दो तीन बार तो खड्डे में गया मैं। अरे लाइट ही नहीं है इतने बड़े हाईवे पे, ऐसा दिमाग घुमाना मेरे। मेरे को पेन तुला का भाई जे, इसको क्या चाहिए? भाई तेरे को क्या चाहिए? काय करतो जिथे सकाळी सकाळी? चल निकलते क्या? चल चल सो अभी चलते हैं प्रतीक के यहाँ। बाय द वे ही धर्मराज जो कि घनसोली से है, तो वो अपने डोमिनर पे आ चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे प्रतीक के घर, वो रेडी होके तैयार है। पहली बार इतने जल्दी तैयार हुआ है वो। तो गाइस अभी हम लोग निकले हैं पनवेल से, प्रतीक के घर से। अभी आगे जाके थोड़ा पेट्रोल पंप पे रुकेंगे क्योंकि प्रतीक के घर पे हो रही थी केबीसी। कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कौन सा ट्रेन है, कितने का ट्रेन है, और मेरे को सुबह सुबह केबीसी नहीं खेलना था। तो पहले यहाँ से निकलते और आगे जाके रुकते। ठंडी वास्ते भाई माता सगळा घेणार होतास। बाय द वे ही इज प्रतीक विच इज होंडा युनिकॉर्न। तो गाइस कुठे नाही नाही मत निकल। हाँ क्या? हाँ लगा ना यार, तुम लोग थोड़ा जल्दी कितना दिखा रहा है? चल के नहीं जाना है भाई। सो फाइनली
एक मिनट ना गाइस, तो हमारी ऑफिशियली मतलब ऑफिशियली हमारी राइड शुरू हो चुकी है अभी पनवेल से। सो वी आर राइडिंग फ्रॉम पनवेल नवी मुंबई टू आंध्र प्रदेश विया सोलापुर एंड बेंगलोर बेंगलुरु। सो विथ मी एज आई सेड प्रीवियसली है मेरे साथ धर्मराज विद इज डोमिनार और प्रतीक है मेरे पीछे विद इज होंडा यूनिकॉर्न। तो वी आर करेंटली इन पनवेल और मैं अभी तक कर चुका हूँ 30 किलोमीटर। सो धर्मराज इज लीडिंग अस क्योंकि नेविगेशन उसी के पास है, मतलब उसको नेविगेशन करने के लिए बोला है मैंने। सो गाइस अभी तो अंधेरा है पूरा, तो अभी आपको कुछ दिखा के तो मतलब फायदा नहीं है। तो अभी फिलहाल बजे है 5:30, तो जैसे ही थोड़ा उजाला होता है ना गाइस, तो मैं वापस आपसे मिलता हूँ क्योंकि अभी पूरा हाईवे है तो देखने जैसा भी कुछ नहीं है, अंधेरे में कुछ दिखेगा भी नहीं। सो सी यू व्हेन द सन राइजेस और थोड़ा उजाला होके फिर हम लोग मतलब मैं आपसे मिलता हूँ। सीधा है ना, अभी सीधा है ना, ठीक है चल। सो गाइस हमने ब्रेकफास्ट के लिए हॉल्ट लिया था हाईवे पे, तो टिल नाउ वी हैव कवर्ड अराउंड 104 किलोमीटर्स फ्रॉम पनवेल एंड मोर 900 किलोमीटर्स टू गो। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं पुणे और ये हम पुणे की ट्रैफिक का सामना करते हुए सुबह सुबह। सो अब तक हमारा टोटल किलोमीटर हो चुका है 138 किलोमीटर फ्रॉम पनवेल यू कैन से। सो अभी पुणे सिटी में है हम लोग एंड मोर 800 किलोमीटर्स टू गो। ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है पुणे में अभी सुबह सुबह, तो हमारा एक दोस्त प्रतीक शिंदे खो गया है पुणे सिटी में, तो अभी उसको लोकेशन सेंड किया है तो अभी वो आ रहा है, देखते हैं कब तक आता है। कैसा आ रहा है
So guys, we just had our lunch and ये कितना किलोमीटर बाकी है अभी टोटल? सो अभी और 790 किलोमीटर बाकी है. सो 7 बजे तक जितना कवर हो पाएगा हम लोग करेंगे. कितना? 7 बजे तक करेंगे ना. हाँ 7 बजे तक. So guys, from morning we have covered around 408 kilometers from our place, and I need to refuel now. So guys, अभी और 678 kilometers बाकी है. So हमने decide किया है कि 78 kilometers complete कर लेते हैं, उसके बाद stay कर लेंगे और बाकी का कल कर लेंगे, क्योंकि अभी देर भी बहुत हो चुकी है. क्या हुआ भाई? काहे? ओके. तो यस, मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो 78 किलोमीटर अभी कवर कर लेंगे हम लोग 7 बजे तक, जैसे मैंने बोला था, तो हो जाएगा और बाकी का कल कर लेंगे.